Hey guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो किसी की रिक्वेस्ट पे है. किसी फैन ने मुझे इंस्टाग्राम पे पिक भेजी थी और कहा था कि इस हेयर स्टाइल को रिक्रिएट करें, तो आज की वीडियो स्पेशल उनके लिए है. फ्रंट हेयर पे मैंने दो सेक्शंस कर लिए हैं. इसके बाद मैं क्राउन एरिया का सेक्शन जो होगा वो अलग करूँगी. और यहाँ मैं बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ क्योंकि हेयर को थोड़ा सा वॉल्यूम देना है. मैं कोई हेयर पैडिंग यूज़ नहीं कर रही इसमें. सबसे पहले मैंने बैक सेक्शन लिया और इस पर अच्छी तरह मैं बैक कॉम्बिंग करूँगी. इसके बाद एक एक सेक्शन लेकर उस पर बैक कॉम्बिंग करती जाऊंगी. और बैक पे बैक कॉम्बिंग ज़्यादा करनी है. और अभी यहाँ पे मांग टीका सेट करूंगी, तो इसके लिए मैंने बैक कॉम्बिंग पूरी तरह नहीं की बल्कि हाफ बाल जो थे वो ऐसे ही छोड़ दिए हैं. तो सबसे पहले मैं मांग टीका सेट करूंगी. पिन की हेल्प से मैंने मांग टीका सेट कर दिया और इसके बाद मैं एक और पिन यूज़ करूंगी इसको लॉक करने के लिए. अब बैक कॉम्बिंग करते हुए जो थोड़े से बाल छोड़े थे तो उसको मैं हल्की सी रूट्स में बैक कॉम्बिंग करूंगी ताकि मांग टीका की पिन्स शो ना हो. इसके बाद जहां हमने बैक कॉम्बिंग की तो उनको अच्छी तरह ब्रश करके ट्विस्ट करना है और पिन कर देना है. क्रॉस पिनिंग करनी है यहाँ पे. इसके बाद फ्रंट की स्टाइलिंग है. तो फ्रंट की स्टाइलिंग में एक फिशटेल ब्रेड बनाई हुई है. तो सबसे पहले मैं सिंपल ब्रेड की तरह शुरू करूंगी और देन वन बाय वन लेफ्ट और राइट से एक एक सेक्शन लेके उनको क्रॉस करना है. इस तरह लेफ्ट और राइट से एक स्मॉल सेक्शन लेके ब्रेड बनाते जाना. और फिशटेल ब्रेड जो है मैं काफ़ी अपनी वीडियोज़ में बना चुकी हूँ और आपको बता भी चुकी हूँ डिटेल्स से, तो आप वो वीडियोज़ भी देख लें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दे दूँगी. और अगर आप लोग कोई हेयर स्टाइल सीखना चाहते हो तो मैंने अपना एफबी अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है वो अपने चैनल के अबाउट में पोस्ट किया हुआ है. आप मुझे पिक्स सेंड कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें. और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी फेशियल ब्रेड बनाऊंगी. और यहाँ मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर मुझे आपके कमेंट मिलते हैं कि आपका पार्लर कहाँ है. तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि मेरा कोई पार्लर नहीं है और मैंने ये घर पर सीखा है. मैंने खुद सीखा है, प्रैक्टिस से सीखा है. और यहाँ मैं वीडियोज़ बना रही हूँ ताकि मेरे जैसी हज़ारों लड़कियाँ, आप जैसी, वो भी सीखें, क्योंकि प्रैक्टिस से इंसान को हर चीज़ आ जाती है. तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, अपने बालों पे बनाएं, किसी और के बालों पे बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं. और यह मेरा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया क्योंकि मैंने दोनों तरफ फेशियल ब्रेड बना ली है. अब इनको पिन करना है. और दोनों ब्रेड्स को पिन करने के लिए मैं जूड़ा पिन यूज़ कर रही हूँ. और जूड़ा पिन मैं जहाँ पर ब्रेड लूज़ हो रही है वहाँ भी लगाऊँगी. इसी तरह जूड़ा पिन की मदद से इसको अटैच कर देना है पफ के साथ. और इसके साथ ही दूसरी ब्रेड को भी इसी तरह पिन कर देना है. और जूड़ा पिन यूज़ होगी इनमें भी. और दोनों ब्रेड्स को अटैच करने के लिए भी मैं जूड़ा पिन लगा रही हूँ क्योंकि इससे ब्रेड लूज़ नहीं होगी. और ये हेयर स्टाइल का फाइनल लुक है. और इसमें मैंने बालों को कर्ल नहीं किया क्योंकि पहले काफ़ी बेबी थे हेयर उसके. और ये हेयर स्टाइल स्पेशली वेडिंग रिसेप्शन या इंगेजमेंट के लिए है और बहुत ज़्यादा आसान भी है. पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.